इस मूवी में एक टीचर अपने ही स्टूडेंट से सेड्यूस हो जाती है, फिर ये लोग जमकर ठुकाई करते हैं और स्टूडेंट्स अपनी मैम की गुफा में पानी भर देता है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम लाना नाम की बंदी को देखते हैं, जो एक टीचर होती है जो अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ रहती है। सुबह होने पर वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है और लेक पर जाकर रेस्ट करती है। फिर हम उसे स्कूल जाता हुआ देखते हैं। आज वो अपनी क्लास का टेस्ट ले रही होती है, सबको टेस्ट स्टार्ट करने के लिए बोलती है। इसके बाद वो नोटिस करती है बेनी नाम का लड़का टेस्ट में कुछ भी नहीं लिख रहा है, वो सिर्फ उसे घूरे जा रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद फिर वो अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाती है। अपनी बेटी को कार में बिठाने के बाद वो बेनी को फिर से देखती है। अगले दिन क्लास का स्टूडेंट जेरेमी अपनी प्रेजेंटेशन सबको दिखा रहा होता है। फिर दो लड़कियां अपना फोन देखकर हंसने लगती हैं। लाना उन्हें फोन रखने के लिए बोलती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। गुस्से में आकर लाना उसका फोन उससे मांग लेती है। फिर एक लड़की अपना फोन आकर उसे देती है लेकिन वो उसे बिच बोलती है। लाना ये सुनने के बाद उसे बोलती है तुमने क्या बोला। तब वो लड़की कहती है तुझे सुनाई नहीं देता क्या, मैंने तुझे बिच बोला। फिर लाना उसे गुस्से में क्लास से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं लंच टाइम में लाना अपने लिए कॉफी बना रही होती है, तभी वो बाहर देखती है बेनी उस लड़की को टॉर्चर कर रहा था जिस लड़की ने लाना को गाली दी थी। वो उसके बैग का सारा सामान नीचे फेंक देता है और उसकी साइकिल भी तोड़ देता है। फिर लाना एक दूसरे टीचर से बेनी के बारे में पूछती है, वो उसे ये भी बताती है कि बेनी लाना को किस तरीके से घूरता रहता है। क्लास खत्म हो जाने के बाद लाना बेनी को एक खाली क्लास में बुलाती है और उससे पूछती है स्कूल में तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हारे मार्क्स भी बहुत कम आते हैं, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन बेनी लाना से पूछने लगता है तुम्हें क्या चाहिए। लाना उसे कहती है मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। लाना फिर उसके पास आकर बैठती है और उसके पैर पर हाथ रखकर कहती है तुम्हें क्या परेशान कर रहा है मुझे बताओ। ये देखकर बेनी बोलता है मुझे नहीं लगता आप मेरी पढ़ाई में कोई हेल्प करना चाहती हैं, आपको क्या चाहिए आप मुझे बताओ। लाना उसे कहती है मुझे सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है। लेकिन बेनी इस बात पर हंसने लगता है और उससे कहता है आप मुझे बता सकती हो आपको जो चाहिए। लाना गुस्से में आकर उससे कहती है मेरी अभी एक मीटिंग है और मैं जा रही हूँ। अगले दिन हम उसे फिर से मॉर्निंग वॉक पर जाता हुआ देखते हैं। जब वो लेक पर जाकर रुकती है तब उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो स्कूल जाती है और क्लास खत्म होने के बाद वो देखती है टेबल के नीचे बेनी का बैग पड़ा हुआ है। सारे स्टूडेंट्स के जाने के बाद जब वो खोलकर देखती है तो बेनी का टी शर्ट बैग में होता है। फिर लाना उस टी शर्ट को निकाल कर सूंघने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है लाना भी बेनी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होती है। इसके बाद हम देखते हैं वो वॉशरूम में जाकर सिंक से पानी पी रही होती है। इसके बाद अचानक से बेनी उसके पीछे खड़ा होता है। फिर बेनी उसके पास आकर उसे किस करने लगता है। लाना पहले तो बहुत एंजॉय कर रही होती है लेकिन अचानक से वो बेनी को रोक देती है और उससे कहती आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, अगर दोबारा तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें स्कूल से सस्पेंड करवा दूंगी। फिर लाना जब वॉशरूम से बाहर जा रही थी तब बेनी बोलता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। ये सुनने के बाद लाना बोलती है मैंने आज तक किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी फील नहीं किया है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अगले दिन बेनी लाना से बोलता है मैं तुम्हें स्कूल के बाद मिलना चाहता हूँ, लेकिन लाना उसे मना कर देती है। फिर वो बेनी को कोने में ले जाकर बोलती है कल हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। इस बात के लिए वो काफी शर्मिंदा हो रही थी। इसके बाद जब वो पार्किंग में अपनी कार लेने के लिए जाती है तब वो देखती है उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसकी कार में काफी सारे स्क्रैचेस हैं। वो समझ जाती है ये सब बेनी ने ही किया है। इसके बाद वो अपनी बेटी को पिक करती है। फिर लाना का हस्बैंड उससे पूछता है कार में ये सब कैसे हुआ। लाना बोलती है मैं लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। लाना का हस्बैंड बोलता है लैंप पोस्ट से टकराने के बाद ऐसे स्क्रैचेस नहीं पड़ते, लेकिन लाना कहती है ऐसा हो सकता है। इसके बाद उसका हस्बैंड वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन लाना क्लास में जाकर टेस्ट ले रही होती है और वो टेस्ट में डच लैंग्वेज में इंटर्नशिप पढ़ने के लिए लेटर लिखने के लिए कहती है। फिर वो स्टूडेंट से कहती है आपको किस कंपनी में कैसी पोजीशन कैसा काम पसंद है ये सब लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ये लेटर कितना लंबा होना चाहिए और बेनी बोलता है ये सब पाने के लिए किसी की चाटना भी पड़ेगी क्या। क्लास के सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बेनी से कहती है तुम पागल हो गए हो क्या। लेकिन बेनी उसकी बात नहीं सुनता और फिर से ऐसी बातें करने लगता है। फिर वो गुस्से में आकर बेनी का बैग उठाकर क्लास से बाहर फेंक देती है। लेकिन बेनी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो लाना को अभी भी घूर रहा था। तभी कोई दूसरा स्टूडेंट बोर्ड पर डस्टर उठाकर फेंकता है और सभी स्टूडेंट शोर मचाने लगते हैं। लाना परेशान होकर क्लास से बाहर चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं
जब लाना अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है तब उसके घर का फ़ोन कंटिन्यू बज रहा होता है, लेकिन जब भी वो कॉल रिसीव कर रही थी तब फ़ोन पर कोई नहीं बोल रहा था। वो अगले दिन जब स्कूल जाती है तब वो क्लास में बैनी को बैठा हुआ देखती है। वो उसे देखकर इतना डर जाती है कि वो मैनेजमेंट से आज की छुट्टी के लिए बोलती है और घर आकर अपने हस्बैंड और बेटी के लिए डिनर बनाती है। इसके बाद वो कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं जाती। फिर एक दिन वो एक एग्जीबिशन में जाती है। ये मॉडर्न आर्ट था इसलिए उस आर्ट के ज़्यादा फैंस नहीं होते। एग्जीबिशन हॉल पूरा खाली था। इसके बाद वो बैनी को अपने पास देखती है। बैनी को देखकर लाना घबरा जाती है और वो बाहर जाने लगती है, लेकिन बैनी वहाँ पर भी पहले से ही मौजूद था। बैनी को देखकर वो लिफ्ट में जाती है, लेकिन बैनी वहाँ पर भी आ जाता है। बैनी लाना से पूछता है, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बैनी के इतना पास आने के बाद लाना की हवस जाग जाती है और वो उसे दो बार किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैनी हर बार उसे दूर हटा देता है। फिर बैनी अपनी दो उंगलियों को उसकी गुफा में घुसा देता है। फिर ये दोनों जमकर ठुकाई करते हैं। काफी दिनों तक यही सब चलता रहता है, लेकिन लाना ये सोचकर परेशान भी हो रही थी, अगर ये सब चलता रहा तो उसकी फैमिली टूट जाएगी। इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर एग्जाम पेपर चुरा लेती है और उसे बैनी के कोट में डाल देती है। उसके बाद जब लाना दूसरे टीचर के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी तब वो देखती है बैनी को पुलिस ऑफिसर लेकर जा रहे हैं और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद जब लाना क्लास में होती है तब वो बैनी की खाली चेयर देखती है और अब वो उसे बहुत मिस कर रही थी। फिर वो उसे इमेजिन करके अपनी गुफा से पानी निकाल रही थी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं लाना अपनी बेटी के साथ लाइब्रेरी जाती है। कुछ टाइम के बाद लाना को अपनी बेटी दिखाई नहीं देती। वो एक घंटे तक उसे ढूंढती रहती है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। इसके बाद लाना पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। फिर सीसीटीवी चेक किया जाता है जहाँ पर लाना देखती है बैनी उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो समझ जाती है बैनी ने ही उसकी बेटी को किडनैप किया है। वो ये देखकर बहुत डर जाती है। फिर उसे उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो उसे बताता है उसकी बेटी घर आ चुकी है और उसे एक लड़का छोड़ने आया था। लाना ऑफिसर्स और लाइब्रेरी के लोगों को सॉरी बोलती है और जल्दी से घर आ जाती है। इसके बाद लाना जब रात को सो रही होती है तब उसके डोर पर कोई नॉक नॉक करता है। जब वो बाहर जाकर आवाज लगाती है तो कोई नहीं बोलता। इसके बाद वो रूम का दरवाजा बंद करके फिर से बैनी को इमेजिन करने लगती है और अपनी गुफा से पानी निकालने लगती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं लाना का हस्बैंड उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन लाना को वो मजा नहीं आ रहा था जो मजा बैनी के साथ आता था। अब वो सोच रही थी अगर बैनी उसकी लाइफ में रहा तो उसकी फैमिली टूट जाएगी। इसीलिए वो अगले दिन बैनी के घर जाती है और थोड़ी दूर पर कार रोककर वेट करने लगती है। जब बैनी अपनी स्कूटी लेकर बाहर जाता है तब वो उसको फॉलो करती है। जब उसे रोड पर कोई दिखाई नहीं देता तब वो कार की स्पीड बढ़ाकर उसे जोरदार टक्कर मारती है जिससे बैनी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर वो कार रोककर बैनी को देखने जाती है वो जिंदा है या नहीं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।